उत्तर प्रदेश के बांदा में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब शौच के लिए गए एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जैसे ही गांव के लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी तो मौके पर पहुंचकर देखा तो युवक की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा तत्काल मामले की जानकारी संबंधित थाने को दी गई। थाने के पुलिस व पुलिस अधीक्षक के साथ फील्ड यूनिट की टीम ने पहुंच मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए साक्ष्य इकट्ठा करने लगे और घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पुलिस के द्वारा लगातार तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपरी गाँव का है, जहाँ आज शौच के लिए घर से निकले युवक को पहले से गाँव के जंगल में घात लगाए बैठे लोगों ने गोली मार दी, जिससे पंकज नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी जानकारी देते हुए ग्रामीणों और परिजनों ने बताया कि सुबह पंकज अपने घर से जंगल की तरफ शौच करने के लिए निकला था। थोड़ी देर बाद अचानक जंगल की तरफ से गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद सभी लोगों ने दौड़कर जाते हुए देखा कि पंकज को गोली लगी है और वह मर चुका है। उसके बाद उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी व संबंधित थाने को भी सूचित किया गया। घटना की काफी देर बाद पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला और हत्या के कारण को जानने के लिए पुलिस जुट गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक भी अपनी फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। परिजनों ने यह बताया कि गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों के साथ अभी दिवाली में विवाद हो गया था, जिसके वह मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उस मामले को शांत करा दिया था। उसके बाद आज अचानक यह घटना हो गई। जिस तरह से आज यह घटना हुई है, लगता है कि उन्हीं दबंगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने उनके घर जाकर भी देखा तो वो सभी घर पर नहीं पाए गए। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आज जानकारी मिली कि देहात कोतवाली के पिपरी गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। स्थानीय पुलिस व मेरी फील्ड यूनिट के द्वारा लगातार जाँच करते हुए साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो भी साक्ष्य निकलकर सामने आएंगे, उसी के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बांदा से फैयाज खान की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह। अवधेश सिंह, अवधेश भैया कौन सा गांव है? पिपरी थाना देहात कोतवाली। क्या घटना हुई? घटना क्या हुई? घटना गोली मार दी गई। कौन लोग थे जो मार गए? हमने बता दिया दरोगा जी ने। दरोगा बताइए ना। हाँ, अब ये धर्मेंद्र बंधु और वीरू सनी मोनू और वो गुल्लू, इन्होंने तीन लोग, चार लोग, सात लोग हैं। थी? अरे साहब, दुश्मनी हमारी कुछ नहीं थी, बस यही तान गाली गलौज करते रहे हैं दारू पी के। अच्छा। हाँ, इस बात पे लेकर आज गोली मार दी। हाँ, क्या नाम था इसको? घायल मर गया, खत्म हो गया। पंकज सिंह। पंकज सिंह। हाँ, क्या काम करते थे? अपना खेती किसानी काम कर रहे थे। गाँव के लोगों ने मारी है? हाँ, गाँव के लोग, यही दुश्मनी थी, गाली दारू पी के गाली गलौज करते थे। हाँ, ये बताइए, ये कौन था आपके? ये हमारे, मतलब हम रिश्तेदार हैं इनके। रिश्तेदार है तो यहाँ हमारे, मतलब चाचा लगता है। जी जी, ये बताइए, ये बताइए क्या नाम था इनका? पंकज सिंह। पंकज सिंह, कौन सा गांव है? इनके पिपरी। इनके पिताजी का नाम क्या? स्वर्गीय महेश सिंह। अच्छा, एक मिनट, पिपरी गांव है, थाना कौन लगता है? ये देहात कोतवाली। देहात कोतवाली। अच्छा, क्या घटना हुई भैया? सर, अभी दिवाली के टाइम लड़ाई हुई थी। किससे हुई थी? ये 8-10 लोग, 15 लोग हैं ये। क्या नाम है? बंधु सिंह, धर्मेंद्र सिंह, कमलेश सिंह, वीरू सिंह और ये कल्लू। हाँ। गौर और उसके तीन लड़के, ये सब लोग थे। और वो छोट, वो अजय सिंह और पप्पू, ये सब लोग थे। हाँ। गाली गलौज किया तो उस दिन लड़ाई दो बार हुई, रात में हुई, सुबह हुई। बस उसी दिन से टेंशन में आया, ये सब कुछ हुआ है। तो आज क्या घटना हुई? आज सर, ये सुबह लेटिंग आया है, हम सब घर में थे। हाँ। तो सर पता नहीं, अब इन लोगों ने शायद किया। आपको जंग कैसे मिली, घटना कैसे हुई? सर, गोली की आवाज आई है। हाँ। तो हम लोग सब दौड़ के पहुंचे, वहाँ पर कोई नहीं था। हाँ। भाग गए उसी से, पीछे तरफ से वहाँ गड्ढे थे, वहीं से भाग गए। गोली मारी जी, खत्म हो गए, दड़े में खत्म हो गए। पुलिस मौके में आई? पुलिस देर में, हम जब यहाँ ले आए हैं उसके बाद आई है, 15-20 मिनट बाद। कप्तान साहब ने पूछा आप लोगों से? जी। क्या पूछा आप लोग? यही पूछ रहे थे कैसे का हुआ, क्या मैटर हुआ है। अच्छा, जो खत्म हुआ, क्या नाम है उसका? पंकज सिंह। पंकज सिंह, पिताजी का? स्वर्गीय महेश सिंह। महेश सिंह, क्या करते थे पंकज जी? किसानी वसानी। किसानी करते थे। कितने भाई हैं? दो भाई हैं। बहन? बहन एक। शादी हुई? जी। कितने बच्चे हैं इनके? इनके पंकज के बच्चे हैं। शादी वादी नहीं हुई? अच्छा, इनकी शादी हुई, बहन की शादी हुई। जी, थैंक यू।
ये थाना कोतवाली देहात के पिपरी गांव में हम लोग को सूचना मिली कि एक पंकज सिंह नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई है। तत्काल उस सूचना पे हम लोग यहाँ आए तो जिसे गोली लगी वो मृत हो गए हैं और यहाँ पर हमारी फील्ड यूनिट भी आ चुकी है, सारे वरिष्ठ अधिकारी आ चुके हैं, पूरे घटनास्थल का मुआयना हम लोगों ने किया है, बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया जा रहा है, आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कैसा अपराधी पकड़े गए? देखिए इसमें जो बताया जा रहा है कि इनका एक डिस्प्यूट था दूसरे व्यक्ति से और इसको बुलाया गया था, वहाँ बुला के इसे मारा गया है। विपक्षी लोग अभी फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है और बाकी जो एविडेंस है वो कलेक्ट किया जा रहा है। सर जानकारी मिली सर कि झगड़ भी हुआ था कुछ दिन पहले? एक डिस्प्यूट हुआ था इन लोगों के बीच में और वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया था, थाने के स्तर से उसका समाधान हो गया था, दोनों पक्ष संतुष्ट थे और अब हम लोग पता कर रहे हैं कि ये घटना किस वजह से हुई है। थैंक यू।